हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग वाईफाई को बिना पासवर्ड के कनेक्ट कर सकते हो। मीन्स अगर आपके पास कोई राउटर है वाईफाई का, या फिर आपके फ्रेंड के घर में किसी के में वाईफाई का राउटर है और आपको उसका पासवर्ड नहीं पता है, तो आप इसको बिना पासवर्ड के कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको खाली उसका राउटर एक्सेस करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे राउटर है और उसमें कुछ सेटिंग्स फॉलो करनी है और अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग्स फॉलो करनी है, और उसके बाद आप उसके राउटर को बिना पासवर्ड के कनेक्ट कर सकते हो। तो चीज़ें जब ज़रूरी होती हैं तब आप किसी फ्रेंड के घर पे जाते हो और वहाँ पे आपको क्या कहते हैं पासवर्ड पता नहीं होता उसके राउटर से कनेक्ट करने का, और वो भी नहीं होता घर पे, तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। या फिर आप अपने ही राउटर से कनेक्ट करना चाहते हो और अपने राउटर का पासवर्ड भूल चुके हो, तो काफ़ी टाइम्स ऐसे होते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ जाती है ये चीज़ें करने की। तो मैं आज इसी के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सीख जाओगे कैसे ये करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको राउटर एक्सेस करना है, और उसके बाद राउटर के बैक में एक बटन होता है जिस पे लिखा होता है WPS। तो आपको इस बटन को प्रेस करना है, और उससे पहले आप देख लीजिए कि आपके राउटर में यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स है, इसमें से कुछ जल रही होंगी, तो लेकिन ये लॉक वाला जो आइकन है वो नहीं ब्लिंक कर रहा है। तो जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे, ये लॉक वाला आइकन ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस बटन को प्रेस करता हूँ, आप देख रहे हो दोस्तों ये लॉक वाला आइकन ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है। अपना फोन ओपन करना है, जैसे अपने फोन में जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाईफाई TP लिंक का है, ये वाला राउटर है, और इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पासवर्ड मांगता है। तो मेरे को पासवर्ड नहीं पता, तो उसको हमें कनेक्ट करना है, तो राउटर में नीचे रख देता हूँ। और आपको अपने फ़ोन में या तो मेन्यू की प्रेस करनी है, या फिर यहाँ पे आपके कोई 3 डॉट्स होंगे, या फिर आपको अपने फ़ोन में कोई ऐसा आइकन फाइंड करना है। दोस्तों ये आइकन का मतलब है WPS पुश बटन से कनेक्ट करने का आइकन होता है ये। तो मेरे फ़ोन में डायरेक्टली शो हुआ पड़ा है, लेकिन किसी किसी के फ़ोन में यहाँ मेन्यू में आता है और किसी में कहीं और पे ऑप्शन होता है, तो आपको ये फाइंड करना है और उसके बाद इसको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कनेक्टिंग स्टार्ट कर देगा, और आप देख रहे हो राउटर से बिना पासवर्ड के इसने कनेक्ट कर दिया है। तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं जितेंद्र सिंह आपको ऐसे ही एक टेक वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए